बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का जो हम सभी को पता है आज का पेपर था, तो देखिए किस तरीके का बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है किस तरीके का पेपर आया था 2022 में कंप्लीट। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट के नंबर कितने नंबर के, सॉरी यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने नंबर क्वेश्चन आए थे कंप्लीट आप देख सकते हैं, 3+2, 2, 3+2+2। तो आप सभी को पता है आपको यहाँ पर ढाई क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से देखिए ये क्वेश्चन मिला था क्वांटम प्रभाव कंप्लीट 5 नंबर के अंदर, ये बताया था 2 नंबर के अंदर, ये दोनों मिल चुके थे। हाइजेनबर्ग के अनुसार सिद्धांत ये मिल चुका था, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था तो ये आ चुका है, लेकिन मैंने ये 3 क्वेश्चन बताए थे। तो मैंने कहा था जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो पढ़कर जाएंगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ये क्वेश्चन मैंने बताए थे, प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा, ये इस पेपर में कंप्लीट मैंने बताए थे। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर ये आपको बताया था संकरण कंप्लीट आ चुका है संकरण, इसके अंदर आपको ये देख लेना था, ये मैंने नहीं बताया था, ये 5 नंबर में बताया था कंपन, ये 5 नंबर में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया था लेकिन ये बताया था क्वांटम दक्षता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक जो ताप तरंग दैर्ध्य है कंप्लीट आपको लिखना था। प्रकाश रसायन के दोनों नियम ग्रोथ स्ट्रिपर और स्टार्क आइंस्टीन अणुओं की ध्रुवणता। नेक्स्ट देखिए मैंने बताया था मोलर उन्नयन स्थिरांक 1 नंबर में था कंप्लीट आ चुका है। राहुल का नियम जो आदर्श अनादर्श विलयन है वो भी आपको कंप्लीट, तो ये क्वेश्चन मैंने बताए थे जो मिल चुके हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने बताया था मिल चुका है, मैं आपको पेपर दिखा दिया पूरे 10 क्वेश्चन थे इसमें से जो बताए वो मिल चुके थे। अब बताता हूँ प्रूफ आपको, तो देखिए अब आप देख लीजिए मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, पहले देखिए प्रभाव सिद्धांत आइगन फलन कंप्लीट, ये तीनों क्वेश्चन मिल चुके थे आए भी थे। नेक्स्ट देखिए संकरण बताया था आ चुका है, संकरण आ चुका है कंप्लीट, और देखिए मैंने बताया था कंपन 5 नंबर में कंपन आ चुके हैं, और देखिए वर्ण नियम बताया था, ये वर्ण नियम भी आ चुका है, मैंने बताया था क्वांटम लब्धि आ चुका है। प्रकाश रसायन के जो दोनों नियम है तुल्यता का नियम, ये फिर दोनों को नियम अलग अलग नियम से जान सकते, प्रकाश रसायन तुल्यता का नियम दूसरा नियम है। बी एड लैम्बर्ट ने बताया था ये नहीं आए थे, लेकिन इसमें से देखिए आपका राहुल का नियम पूछ ले गया, राहुल के नियम के अंदर आपको दोनों बताया जाए आदर्श अनादर्श, जो राहुल के नियम का पालन करते हैं आदर्श, जो नहीं करते वो अनादर्श, तो ये कंप्लीट मैंने बताए थे। तो आप कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा गया, जो क्वेश्चन बताए उनमें से आपको क्वेश्चन मिल चुके थे अच्छा गया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, ये पेपर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके पेपर भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं।